अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का एक मेन सब्जेक्ट है। और आज हम इसके यूनिट नंबर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग क्या है और एक पीडियाट्रिक नर्स के क्या क्या रोल होते हैं। इस यूनिट को आसानी के लिए हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट के सेकेंड और थर्ड पार्ट दे सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीडियाट्रिक्स हमारे पास किस एज के लोग होते हैं। तो 0 से लेके 18 ईयर तक के जो हमारे पास लोग होते हैं वो पीड्स में आते हैं। इसके बाद फिर एडोलेसेंस और एडल्ट एज में आते हैं। तो पीड्स में हम न्यूनेट पढ़ेंगे, इसमें हम इन्फेंट, प्री स्कूल, स्कूल चाइल्ड, इन तमाम को पढ़ेंगे जो 18 ईयर तक के हैं। और 18 ईयर के बाद जो होते हैं तो फिर हमारे पास वो एडल्ट में आते हैं, जिसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, जिसकी वीडियोस लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है। तो पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे पीड्स के डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज, उनके डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, उनके साइकोलॉजिकल डिवेलपमेंट वगैरह, और नर्स का क्या रोल होते हैं पीड्स की केयर में। तो इस पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में ये पढ़ेंगे। आज की वीडियो लेक्चर के जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, सबसे पहले परस्पेक्टिव ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग कौन से, इसके बाद पीडियाट्रिक नर्सिंग कहते किसको है, और रोल्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्स कौन कौन से हैं। इसके साथ इस यूनिट के जो आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नर्सिंग क्या होते हैं, नर्सिंग की डिफिनीशन। तो नर्सिंग की ये डिफिनीशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो कि आप ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ चुके हैं कि नर्सिंग इज द केयरिंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, द एलिवेशन ऑफ सफरिंग। कि नर्सिंग क्या है, कि नर्स का ये रोल होता है कि वो केयर प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है इलनेस से, डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस को वो प्रिवेंट करता है सबसे पहले। दूसरा क्या है, एलिवेशन ऑफ सफरिंग, कि हमारे पास अगर कोई पर्सन किसी डिजीज के साथ आता है तो नर्स की ये कोशिश होती है कि क्या करे कि उसकी उस डिजीज के सिम्टम को कम से कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। पर्सन डिजीज की वजह से जितने मुश्किलात का शिकार है उसके वो मुश्किलात दूर किए जाए। इसके बाद प्रोटेक्शन, प्रोमोशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, वो हेल्थ को प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्रोमोट करते हैं हेल्थ को, और रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर मतलब ये कि किसी डिजीज की वजह से अगर आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो नर्स का ये रोल होगा कि वो आपकी उस सफरिंग वगैरह को कम से कम करेगा और आपके हेल्थ को वापस क्या करेगा, रिस्टोर करेगा नॉर्मल हेल्थ। और वो ये चीजें किन को प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, ग्रुप्स को, कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशन। तो नर्स का रोल क्या है, नर्स का रोल है कि वो इलनेस की को प्रिवेंट करेगा, सफरिंग को एलिवेट खत्म करेगा, प्रोटेक्शन, प्रोमोशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करेगा इंडिविजुअल के लिए, फैमिलीज के लिए, कम्युनिटीज के लिए, ग्रुप्स के लिए, पॉपुलेशन के लिए। और ये हमारे पास एक अच्छी डिफिनीशन है नर्सिंग की। इसके बाद आ जाते हैं कि पीडियाट्रिक नर्सिंग किसे कहते हैं, वो तो हमारे पास जनरल नर्सिंग थी। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग किसे कहते हैं, कि इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर टू चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ थ्रू एडोलेसेंट विद एम्फेसिस ऑन फिजिकल ग्रोथ, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोसोशल डिवेलपमेंट। कि हमारे पास पीडियाट्रिक नर्सिंग वो आर्ट एंड साइंस है। साइंस किसे कहते हैं, कि साइंटिफिक मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स वगैरह जो आते हैं। आर्ट किसे कहते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स, जितने प्रोसीजर हम करते हैं केयर, किसी को केयर प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारे पास पीडियाट्रिक नर्सिंग वो आर्ट और साइंस है जिसमें चिल्ड्रंस को बर्थ से लेके एडोलेसेंट एज तक केयर प्रोवाइड करते हैं उनके फिजिकल ग्रोथ के थ्रू, कि उनकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी से अच्छी हो, उनकी मेंटल ग्रोथ अच्छी से अच्छी हो, इमोशनल एंड साइकोसोशल डेवलपमेंट उनकी अच्छी से अच्छी हो। तो उनके फिजिकल ग्रोथ, चिल्ड्रंस के फिजिकल ग्रोथ, मेंटल, इमोशनल, साइकोसोशल डेवलपमेंट, इन तमाम चीजों में आर्ट एंड साइंस के थ्रू नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, इसको कहते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो ये डिफिनीशन आप अच्छी तरीके से सीख ले। इसके बाद अब रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, एक पीडियाट्रिक नर्स के कौन कौन से रोल होते हैं, तो इनको मेजर जो डिवाइड किया है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी क्या है, कि
promote the healthy maturation of children as a physical, intellectual and emotional being within the context of his family and community. ये हमारे पास primary level है. देखो हमारे पास जब छोटा बच्चा बढ़ता है, उसकी age बढ़ती है, तो उसमें different type of growth होते हैं, different type of उसमें development होती है. Physical development होती है कि उसकी height increase होती है, उसकी body increase होती है, different type of development उसमें होते हैं. इसके बाद intellectual, intellectual कहते हैं cognitive something related to mind, जिस तरह learning, memory, ये development भी हमारे पास बच्चे में होती है. इमोशनल क्या है कि वो इमोशनली माइंड कोपिंग किस तरह, स्ट्रेस वगैरह को, एंजाइटी वगैरह को किस तरह कोप कर सकता है, वो चीज़ों को किस तरह समझता है. तो इन तमाम में नर्स का क्या रोल है कि वो बच्चे के फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल बीइंग में क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा, उनकी केयर प्रोवाइड करेगा, इनके डिवेलपमेंट और मेच्योरेशन में चाइल्ड को केयर प्रोवाइड करेगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिज फैमिली और कम्युनिटी. ये रोल है प्राइमरी लेवल, ये प्राइमरी लेवल पे केयर प्रोवाइड करना है छोटे बच्चों को. दूसरा क्या रोल है, प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर द चाइल्ड हु रिक्वायर ट्रीटमेंट फ्रॉम अ डिजीज. देखो प्राइमरी लेवल क्या करता है, उनको डिजीज से प्रिवेंट करता है. अगर किसी बच्चे की फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल बीइंग अच्छी होगी, वो ग्रोथ अच्छी होगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी, तो वो डिजीज से बचा रहेगा. सेकेंडरी लेवल में क्या होते हैं कि जब आपके पास एक बच्चे को डिजीज हो गई तो फिर उसको ट्रीट करना, डिजीज की ट्रीटमेंट, फिर हमारे पास सेकेंडरी लेवल. तो एक पीडियाट्रिक नर्स का रोल सेकेंडरी लेवल भी होते हैं, वो डिजीज चाइल्ड को क्या करता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है. थर्ड क्या है कि डीलिंग विच चाइल्ड डिसेबिलिटीज और रिहेबिलिटेशन विच मीन्स मैक्सिमाइजिंग द चाइल्ड पोटेंशियल लेवल ऑफ हिज बॉडी और फंक्शन. तो टर्शी लेवल क्या है कि अगर एक बच्चा है जिसमें कोई डिसेबिलिटी हो गई है, जिस तरह हमारे पास लिम्ब्स वगैरह कोई बच्चे जो है, किसी का हाथ नहीं होता, किसी की पाँव नहीं होती, इस तरह हमारे पास ब्लाइंड बच्चे होते हैं और भी डिसेबिलिटी के साथ, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, तो आप एक नर्स कोशिश करती है कि उनकी डिसेबिलिटी कम से कम हो, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए कि डिसेबिलिटी के बावजूद वो अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर सके, वो अपना मैक्सिमम लेवल जो है पोटेंशियल लेवल तक जा सके, वो अपने क्या करें मैक्सिमम लेवल तक खुद मुख्तियार हो, ऑटोनोमस की तरफ जाए, इंडिपेंडेंसी की तरफ जाए. ये आ जाते हैं टर्शी लेवल में. तो ये तमाम प्राइमरी लेवल केयर, सेकेंडरी लेवल केयर और टर्शी लेवल के ये तमाम फंक्शन किसके हैं, ये तमाम फंक्शन हमारे पास एक पीडियाट्रिक नर्स के होते हैं. अभी एक एक करके इसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शी को, लेकिन इस स्लाइड को आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले. अब हम यहां पढ़ते हैं प्राइमरी लेवल. थ्रू हेल्थ एजुकेशन टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट एंड प्रोवाइडिंग चाइल्ड बेसिक नीड्स एंड इम्यूनाइजेशन. तो प्राइमरी लेवल जो केयर है, जिसमें चिल्ड्रन बच्चों को प्रिवेंट किया जाता है कि उनको कोई डिजीज ना हो, तो वो डिफरेंट तरीकों से होते हैं. फर्स्ट तो ये है कि हमने उसके पेरेंट्स को, उसके फैमिलीज को, पेरेंट्स को एजुकेट करना होगा कि आपने बच्चे की डिवेलपमेंट किस तरह करनी है, उसके डिवेलपमेंट, उसके नीड्स किस तरह पूरे करने हैं, उसकी किस तरह केयर करनी है. दूसरा, उसके बच्चों चाइल्ड्स को भी हमने एजुकेट करना है. जो हमारे पास स्कूल एज के चाइल्ड, इससे थोड़े बड़े जो चाइल्ड होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बातों को समझते हैं, तो हमने उनको एजुकेट करना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस आपको डिजीज कास कर सकती हैं, जो आपको हार्म कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिससे आप प्रिवेंट हो सकते हैं. तो प्राइमरी लेवल में फिर हम ये करते हैं कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनके चिल्ड्रन और पेरेंट्स को, ताकि बच्चे को क्या हो, बच्चे की अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो और उसको डिफरेंट डिजीज से प्रिवेंट किया जा सके, डिफरेंट रिस्पेक्टर से उसको प्रिवेंट किया जा सके. इसमें हमारे पास चाइल्ड्स के बेसिक नीड्स पूरे करना और इम्यूनाइजेशन भी जो है आपके पास प्राइमरी लेवल में आता है. क्योंकि इम्यूनाइजेशन, अगर हम किसी बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं तो किस लिए, ताकि वो इम्यूनाइज हो, ताकि फ्यूचर में उसे पोलियो वायरस उस पर अटैक ना करे. तो इम्यूनाइजेशन भी प्राइमरी लेवल में आता है. द नर्स कैन मेंटेन चाइल्ड हेल्थ, हेल्प द चाइल्ड टू अचीव हिज ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिवेंट डिजीज एंड देयर कॉम्प्लिकेशन. तो ये वही बातें जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वो चाइल्ड के हेल्थ को मेंटेन रखेगा जो नर्स होता है या रखेगी, फीमेल नर्स है, और वो क्या करेगी कि बच्चे को इस काबिल बनाएगी कि वो अपनी ग्रोथ और डिवेलपमेंट के ऑप्टिमल लेवल तक जा सके. ऑप्टिमल मतलब एक हाई पोटेंशियल तक उसकी ग्रोथ और डिवेलपमेंट हो और डिजीज और कॉम्प्लिकेशन उसको ना हो.
सेकेंडरी लेवल में क्या आता है कि द नर्स हैज टू प्रोवाइड केयर टू सिक चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। तो सेकेंडरी लेवल में क्या करेगी, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें आपके वो केयर आती है जो हमने डिजीज पर्सन को देनी होती है। तो एक पीडियाट्रिक नर्स का ये भी रोल है कि वो क्या करेगी, वो सिक चिल्ड्रन को केयर प्रोवाइड करेगी, और ये प्रोवाइड होता है हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसका फुल एक्सप्लेनेटरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप नर्सिंग प्रोसेस को फुली पढ़ सकते हो वहां पर। यहां पर मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको कि इसमें क्या होते हैं कि सबसे पहले आपने एसिस करना होगा कि चिल्ड्रन की नीड्स कौन कौन से, आपके क्लाइंट आपके पेशेंट के पीड्स की कौन कौन से नीड्स है, उसके बाद क्या करना होगा आपने प्लानिंग फॉर देयर केयर, आप उनके नीड्स को किस तरह पूरा करते हैं, उसके जो केयर आप उसको किस तरह प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए फिर सेकेंड प्रोसेस आपने प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद जो प्लानिंग आपने कर ली उसको फिर आप इंप्लीमेंट करेंगे, कि मतलब एक डिजीज पर्सन बच्चा अचानक आपके पास आता है, प्लानिंग आपने कर ली कि मैंने इसको एक्सरसाइज भी देना है और इसको मैंने मेडिकेशन देनी है, तो फिर आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, आप उसको मेडिसिन देना स्टार्ट कर लेते हैं, आपने उसको जो है डिजीज ट्रीटमेंट में आप उसको मेडिसिन देना स्टार्ट कर लेते हैं, उसको एक्सरसाइज वगैरह जो है वो करना कराना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर जो प्लानिंग आपने कर ली फिर आप एवेलुएट कर लेते हैं बच्चे की कंडीशन के, आया जो प्लानिंग इस बच्चे के लिए हुई थी, जो केयर इसको प्रोवाइड किया जा रहा है कि आया वो इस बच्चे के लिए हेल्पफुल है या नहीं, बच्चे के हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रही या नहीं आ रही। इसके बाद आपने क्या करना है, प्रोवाइडिंग हेल्थ टीचिंग टू चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट, और आपने फिर क्या करना है, चिल्ड्रन को भी टीच करना है और उसके पेरेंट को भी टीच करना है कि आप किस तरह अपने बच्चे को जो क्या करते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज से, आप किस तरह उसको केयर प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज में। तो सेकेंडरी लेवल में हम क्या करते हैं, हम डिजीज ट्रीट करते हैं सिक चिल्ड्रन के लिए। टर्शियरी लेवल में क्या आता है कि द नर्स शुड असिस्ट चिल्ड्रन टू रिटर्न टू देयर मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग फॉलोइंग इलनेस एंड डिसेबिलिटी, कि अगर एक पर्सन बच्चे को इलनेस हो गई या कोई भी डिसेबिलिटी की वजह से, तो टर्शियरी लेवल पे हम करते हैं ऐसा करते हैं कि हम ये कोशिश हमारी रहती है एज अ पीडियाट्रिक नर्स, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम किस तरह उस बच्चे को मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शनिंग पर पहुंचा सकते हैं कि वो अपने खुद की जो है काम कर सके, अपनी खुद की केयर कर सके, वो किस हद तक जो है इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो टर्शियरी लेवल में हम क्या करते हैं, चूंकि डिसेबिलिटी तो उसकी ट्रीट नहीं होती, लेकिन हम कोशिश हमारी ये होती है कि ये अपने नॉर्मल लेवल ऑफ फंक्शन की तरफ लौट आए, मैक्सिमम लेवल तक ये अपने फंक्शन परफॉर्म करे। इसके बाद फैमिली सेंटर्ड केयर, फैमिली सेंटर्ड केयर वो केयर होता है कि जिसमें पीडियाट्रिक नर्स जो होती हैं या जो पीडियाट्रिक डॉक्टर जो होता है वो फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं बच्चे की केयर में, और ये इंतहाई अच्छा स्टेप्स है, क्योंकि बच्चा जो है वो आपसे ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ गुजारते हैं, और जब आप फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं उसकी केयर में, तो फिर बच्चे की ट्रीटमेंट इजीली होती है। द फैमिली सेंटर्ड केयर अप्रोच रिकॉग्नाइज द फैमिली एज द वन कांस्टेंट इन अ चाइल्ड लाइफ थ्रू थ्री की कॉम्पोनेंट, रिस्पेक्ट, कोलेब्रेशन एंड सपोर्ट। क्या है कि फैमिली क्या करेगी कि बच्चे की जो नीड्स वगैरह इसकी रिस्पेक्ट करेगी, कोलेब्रेशन एंड सपोर्ट। एक जो नर्स होते हैं जो बच्चे को केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करना है, उसने फैमिली को इन्वॉल्व करना होगा बच्चे की केयर में रिस्पेक्ट के साथ, कोलेब्रेशन मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ, कि नर्स भी केयर प्रोवाइड करेगी और फैमिली को भी इन्वॉल्व करेगी कि वो भी बच्चे को केयर प्रोवाइड करे, और सपोर्ट भी करना चाहिए बच्चे को, फैमिली को, ताकि बच्चे की अच्छी तरह से केयर हो सके। अब पेरेंट एजुकेशन, तो पेरेंट एजुकेशन क्यों हम देते हैं, पेरेंट एजुकेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नीड्स। देखो बच्चा जब हमारे पास बढ़ता है उसके डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स होते हैं, ग्रोथ नीड्स होते हैं, डेवलपमेंट नीड्स होती है, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट जरूरी होती है, उसकी हमने केयर करनी होती है, किस तरीके के बच्चे को हमने जो है स्कूल में एडमिट करना होता है, उसको प्रॉपर एजुकेशन हमने देनी होती है, हाइजीन प्रोवाइड करना होता है उसको, साफ सुथरे कपड़े, खुराक वगैरह, तमाम चीज़ें। तो पेरेंट एजुकेशन हम देंगे ताकि वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करें। चाइल्ड हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस एज न्यूट्रिशनल नीड एंड हाइजीन केयर, कि चिल्ड्रन के हेल्थ को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं और किस तरह एक उनके हेल्थी लाइफ को मेंटेन रख सकते हैं, इसमें जो न्यूट्रिशनल नीड्स हाइजीन, इसके बारे
में भी हम पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट सच एस एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, पीरियडिक एग्जामिनेशन कि किस तरह बच्चों को एक्सीडेंट वगैरह से बचाया जा सकता है, किस तरह कि आपने जो है कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इस तरह ओपन नहीं छोड़नी होगी कि बच्चा उससे हार्म हो, इस तरह कोई जो है आपने जलती हुई चीज़ नहीं छोड़नी, इसके साथ साथ आपने बच्चों को इम्यूनाइज करना है, उसको वैक्सीन लगाने हैं, उसकी पीरियडिक एग्जामिनेशन करनी है, उनकी ग्रोथ डिवेलपमेंट की, उसकी अपनी डिवेलपमेंट की, इंटेलेक्चुअल आईक्यू टेस्ट, ये तमाम चीज़ें। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या करना है, इसको हमने पेरेंट को एजुकेट करना होगा। चाइल्ड इलनेस, नेचर ऑफ इलनेस एंड केयर नीडेड, चिल्ड्रन के डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होते हैं, फीवर होते हैं, उनको फ्लू होता है, डिफरेंट टाइप उनकी नीड्स होती हैं। तो हमने पेरेंट को एजुकेट करना है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप बच्चा बीमार है, उसको क्या नीड है, क्या नीड नहीं है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, उसकी अगर आपके बच्चे को बुखार है तो उसमें उसकी क्या नीड है, बच्चे की कोई जो है बोन प्रॉब्लम है, किसी हाथ पाँव टूट गए किसी भी वजह से, तब आपने उसको कौन सी केयर प्रोवाइड करनी होगी। तो डिफरेंट इलनेस में उसको डिफरेंट टाइप ऑफ जो केयर प्रोवाइड नीड होती है, तो उसके बारे में भी आपने पेरेंट्स को एजुकेट करना होता है। प्लान्स फॉर चाइल्ड डिस्चार्ज सच एज चाइल्ड मेडिकेशन, फॉलो अप, न्यूट्रिशन एटसेट्रा। और आपके पास एक बच्चा जो है वो बीमार था, वो एडमिट था, तो जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज हो रहे हैं, अब वो घर जा रहे हैं हॉस्पिटल से, तो ये नर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उसके पेरेंट्स को अच्छे तरीके के साथ और बच्चे को एजुकेट करेगा कि अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है वो समझता है तो उसको भी एजुकेट करेगा, अदरवाइज उसके पेरेंट्स को भी एजुकेट करेगा कि आपने इसको राइट टाइम पे मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है, आपने इसको इस तरह एक्सरसाइज, अगर उसकी नीड एक्सरसाइज पूरी करनी होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट जो उसकी नीड्स होती है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने पेरेंट्स को एजुकेट करना होता है। देखो ये तमाम चीज़ें ये आप पीडियाट्रिक वार्ड्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट होते हैं, तो आपने पेरेंट्स और उन बच्चों को एजुकेट करना होता है ताकि उसकी जो है किस तरह वो अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं। The role of pediatric nurse, therapeutic relationship. Pediatric nurse का एक रोल ये है कि वो therapeutic relationship बनाएगा। देखो वो relationship जिसका मकसद किसी पर्सन की हेल्थ में इंक्रीज इम्प्रूवमेंट लानी हो, उसको थेरेप्यूटिक रिलेशन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास वार्ड में जो है पेशेंट होते हैं, तो हम उसके साथ मिलते हैं, उसकी केयर करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर्स करते हैं, उसकी कोपिंग काउंसलिंग करते हैं, एजुकेशन करते हैं, तो ये तमाम रिलेशन किस में आते हैं, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में आते हैं। क्योंकि इसका आपके पास मकसद क्या होता है, इसका मकसद ये है कि आप वो जिसके साथ आपका थेरेप्यूटिक रिलेशन है उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आए। उसके बाद फैमिली एडवोकेसी, देखो ये चीजें आपके पास एमसीक्यूज में आएंगी, ये रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स जो है ये आपके पास एमसीक्यूज में आएगा, तो इसलिए ये आप इसको अच्छे तरीके से सुने। फैमिली एडवोकेसी या केयरिंग, क्या करना है कि नर्स का ये रोल होगा कि वो फैमिली की एडवोकेसी करेगा, उसको जो चाइल्ड के केयर में, चाइल्ड के केयर में फैमिली को उसका अपना हक देगा। किस तरह कि अगर हमारे पास कोई गवर्नमेंट वगैरह इस तरीके से कोई पॉलिसी बनी है जिसमें बच्चों की हेल्थ को कोई नुकसान है, या आपके पास जो है हॉस्पिटल में बच्चों की सही से केयर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, उसके लिए वो हेल्थ रिसोर्सेज नहीं है, तो इस चीज़ में क्या करेगी, वो एडवोकेसी करेगा फैमिली के लिए और बच्चे की केयरिंग के लिए। इसके बाद डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, नर्स का रोल है कि वो डिजीज़ को प्रिवेंट करना, बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ से प्रिवेंट करना, इम्यूनाइजेशन के थ्रू, पेरेंट एजुकेशन के थ्रू, और उनके हेल्थ को प्रमोट करना, ये भी पीडियाट्रिक नर्स का काम है। इसके बाद हेल्थ टीचिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ नीड्स, इसके बारे में जो टीचिंग जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो हेल्थ टीचिंग भी आपने प्रोवाइड करनी है पेरेंट्स को, और बच्चे जब आपके पास बड़े हो, 5-6-7 साल से बड़े हो, जो बात को समझे, तो उनको भी आपने टीचिंग प्रोवाइड करनी है। सपोर्ट एंड काउंसलिंग, हमने बच्चे को उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है और काउंसलिंग करनी है उसको कि किस तरह वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर से खुद को बचा सकते हैं, किस तरह वो अपनी केयर अच्छी तरीके के साथ कर सकते हैं, किस तरह वो बच्चों के हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, तो हमने काउंसलिंग भी करनी होती है। और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ जो होती है उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, इमोशनल साइकोलॉजिकल जो डिजीज़ होते हैं, तो उसमें हमने पेरेंट्स और बच्चे की काउंसलिंग भी करनी होती है। इसके बाद रेस्टोरेटिव रोल, रेस्टोरेटिव रोल किसे कहते हैं कि अगर हमारे
हमारे पास किसी भी डिजीज की वजह से किसी बच्चे की हेल्थ खराब हो जाती है, तो फिर नर्स का ये रोल होगा कि वो क्या करेगा, वो बच्चे को वापस रिस्टोर करेगा ताकि उसकी जो हेल्थ है वो वापस अच्छी ऑप्टिमल हाई लेवल तक आ जाए और बच्चा फिर से आपके पास हेल्थी हो। वो चीज़ें, वो फंक्शन जो डिजीज की वजह से उसके खराब हो चुके हैं, तो वो वापस उसके रिस्टोर हो, वापस उसके डेवलपमेंट, उसके जो है फंक्शन वो परफॉर्म कर सके। कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन, देखो नर्स जो केयर प्रोवाइड करती है तो इंडिविजुअली वो केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसने फैमिली को भी इन्वॉल्व करना होता है, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना होता है, तो कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन के थ्रू जो है वो क्या करना होगा, पीडियाट्रिक नर्स को केयर प्रोवाइड करना होगा अपने पेशेंट को। रिसर्च, टू अप्लाई रिसर्च फाइंडिंग टू देयर प्रैक्टिस, देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च हो रहे हैं, पहले जो प्रोसीजर यूज होते थे जिस तरीके से हमारे पास पहले डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज वगैरह होती थी, अब उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है। अभी आप खुद देखते हैं अक्सर ये पोस्टर वगैरह लगे होते हैं, ये जो क्लिफ पैलेट हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चों की डिजीज, जो उनके बोन के डिजीज, अब रिसर्च इतने ज़्यादा आ गए हैं कि डिफरेंट सर्जरीज के थ्रू बच्चों के डिजीज़ को केयर किया जा रहा है। इवन दो कि बच्चों को जो है क्या है कि फिटस जब वो अपने माँ के पेट में होते हैं उस दौरान भी उनको जो है डिफरेंट डिजीज उनके ट्रीट हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये तमाम वो रिसर्च जो एडवांस स्टेज में अभी हो रहे हैं तो उसको अप्लाई किया जा रहा है। तो हमारे पास जो पीडियाट्रिक नर्स जो रिसर्चर होते हैं तो उनका ये रोल होता है कि जो इम्प्रूवमेंट जो प्रैक्टिस में जो है क्या रहा है इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो डिफरेंट रिसर्च हो रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस जो है वो चीज़ें आप फिर बच्चों को केयर भी प्रोवाइड करें, अप्लाई करें, बच्चों को अच्छे तरीके से एडवांस आपने केयर प्रोवाइड करनी होगी। हेल्थ केयर प्लानिंग ऑन पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव लेवल, देखो जो पॉलिटिकल लेवल पे है कि बच्चों के लिए जो लॉज बनते हैं, बच्चों के लिए जो रूल्स बनते हैं, उनके लिए जो रिसोर्स अलर्ट की जाती है, उनके लिए डिफरेंट फैसिलिटी अलर्ट की जाती है, तो उस लेवल पे भी क्या करना है, बच्चों की केयर के लिए आपने प्लानिंग वगैरह करनी होती है, वो भी पीडियाट्रिक नर्स का काम है। क्योंकि देखो जब हमारे पास कोई भी लॉ बनता है बच्चों के मुतालिक, तो उसमें डॉक्टर्स, उसमें हमारे पास पीडियाट्रिक नर्स वगैरह वो हमारे पास उसमें होते हैं, क्यों उसमें वो शामिल होते हैं, उनसे राय ली जाती है, प्लानिंग वगैरह उतना मुश्तरका तौर पे बनाया जाता है। और फिर इस लेवल पे फिर आपने क्या करना होगा, बच्चों के प्लानिंग के लिए, उसके केयर के लिए आपने उसके हेल्थ को किस तरह इम्प्रूव किया जाता है, इसके लिए फिर आपने क्या करना होगा, अपना रोल प्ले करना होता है। इसके बाद एथिकल डिसीजन मेकिंग, तो एथिकल डिसीजन मेकिंग क्या होते हैं, देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एथिकल इश्यूज आते हैं जो कि अलग एक सब्जेक्ट है, नर्सिंग का अलग एक सब्जेक्ट है जो कि आप जो है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके लेक्चर भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उससे आप देख सकते हैं। इथिकल, इसे एथिकल डिसीजन मेकिंग इसे कहते हैं कि अक्सर हमारे पास इस तरह आ जाता है कि इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि एक कोई पेशेंट जो होता है इथिकल हमारे पास चाइल्ड एब्यूज जो आते हैं या इस तरह कोई भी कंडीशन आपके पास आ गए कि दो पेशेंट है वेंटिलेटर एक है, दोनों पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है लेकिन वेंटिलेटर आपके पास एक है, तो फिर आपने क्या करना होगा, आप अगर एक को रखते हैं दूसरा मरता है, दूसरे को रखते हैं तो पहला मरता है, तो इस तरह की जो डिसीजन आते हैं जिसमें आपके एथिकल प्रिंसिपल को देखना होगा, तो वो आपने क्या करना होगा, वो आपने बच्चों की एथिकल डिसीजन मेकिंग में आपने ये ख्याल रखना होगा कि बच्चों के हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचे। और एथिकल डिसीजन मेकिंग में ये आता है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोनोमी, ऑटोनोमी क्या है, द पेशेंट राइट टू बी सेल्फ गवर्निंग, कि हर पेशेंट की ये राइट है कि उसकी जो केयर होती है तो उसकी मर्जी के मुताबिक हो, उस पर जितनी भी प्रोसीजर होती है उसमें उसकी मर्जी शामिल होगी, सही है, वो अपनी हेल्थ के हवाले से खुद अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है। तो आप सोच रहे होंगे बच्चे तो इस तरह नहीं कर सकते, नहीं, जो 8-10 साल तक जो बच्चे होते हैं चलो उसका तो आप कह सकते, लेकिन अगर आपके पास बच्चा इस काबिल नहीं है कि वो ऑटोनॉमी वो अपने राइट या अपने जो है लिए अपने लिए खुद से डिसीजन ना ले, तो फिर उसके पेरेंट जो है उससे फिर आपने राय लेनी होगी, फिर वो ऑटोनॉमी से कि वो बच्चे की केयर किस तरह चाहते हैं। दूसरा हमारे पास नॉन मिनिफिसेंस, नॉन मिनिफिसेंस क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये एक एथिकल प्रिंसिपल है कि हमने जो भी जिस तरह भी केयर हमने प्रोवाइड करना होता है, हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए। अगर
कोई ऐसा प्रोसीजर है कि उसमें उस पेशेंट को नुकसान पहुंचेगा, तो हमारी कोशिश होगी कि कम से कम नुकसान उस पर्सन को हो, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं नॉन मिलिफिसेंस, द ऑब्लिगेशन टू मिनिमाइज और प्रिवेंट हैम। कोशिश आपने करनी होगी सबसे पहले कोई हार्म ना हो, लेकिन भी अगर भी कोई हार्म होता है तो कोशिश आपकी होगी कि कम से कम नुकसान या कम से कम उस पर्सन को प्रॉब्लम हो। इसके बाद बेनिफिशेंस, बेनिफिशेंस क्या है कि द ऑब्लिगेशन टू प्रमोट द पेशेंट वेलबींग। हमेशा से आपकी ये कोशिश होगी कि मैंने पर्सन अपने क्लाइंट को, अपने जो आपका वो छोटा बच्चा क्लाइंट है या पेशेंट है या आपका कोई एडल्ट पेशेंट है, तो आपसे हमेशा दो कोशिश होती है कि मैंने इसको बेनिफिट प्रोवाइड करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा मैंने फायदा पहुंचाना है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं बेनिफिशेंस। इसके बाद जस्टिस, द कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, कि आप जस्टिस से काम लेंगे, आप तमाम जो आपके क्लाइंट होंगे उसको इक्वल रख के उनके नीड्स के मुताबिक आप उनको केयर प्रोवाइड करेंगे। तो ये तमाम आपके पास इथिकल डिसीजन मेकिंग में आते हैं। यहाँ पे फिर आपने इथिकल प्रिंसिपल को देखना होगा। यहाँ पे तो सिर्फ 4 बयान किए, ये बहुत से इथिकल हमारे पास प्रिंसिपल है जो आप, मैंने कहा कि वो आपका अलग सब्जेक्ट है। इथिकल प्रिंसिपल का भी मेरे चैनल पे वीडियो लेक्चर है, उसका लिंक भी खैर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहीं से जाके आप इथिकल प्रिंसिपल जो है वो देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट था, इसके सेकंड थर्ड पार्ट भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियोस को। ओके, थैंक यू।